ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਡ ਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ ਫਤੂਰ ਜਿਆ ਗਰਮ ਥਾਰੀ ਤੰਦੂਰ ਜਿਆ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਜੂਰ ਜਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖ ਨਬੀ ਹੋਏ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀ ਏ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਗੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲੋ ਕਲਮ ਕੀ ਏ ਲੋ ਮਕਾਨ ਕੀ ਏ ਦੈਮ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਏ ਜਹਾਨ ਕੀ ਏ ਉਹ ਜਹਾਨ ਕੀ ਏ तमाम आने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्त जानते हैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की वजह नाल अलहमदुलिल्लाह जो रब सोने ने इज्जत दी इस तो पहले कभी इन्हें इज्जत नहीं मिली मैं पूरी दुनिया के जाके असल दो वर्ल्ड कप से मैं कबड्डी की जो मेरा आजाद है पाकिस्तान जो कोई नहीं इतने जाके कर सके फिर आज पंजाब नेताबाजी के मुकाबले कई साल के हुंदा रहा जो जिद हर कौम के लोग सन अलहमदुल्ला मैनू दो बार घोड़ा जितने का भी आजाद होया और मैनू इस गल से फखर है कि अलहमदुल्ला मैनू रब ने उस कौम के पैदा किया है जिहड़ी जालम ने लोगों की खिदमत करती है सारी जिंदगी फिरिया मेले वेखे सारे काम किए जो दिल को सुकून रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की वजह से मिला इस तो पहले कभी नहीं मिला देखो यही रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की बरकत है कि रात असी इतने सारी रात बैठ के काम करते रहे देखते रहे इंतजामात ते कोई भी किसी का रिश्तेदार नहीं सारे के सारे इस तरह सन जिमें कि रिश्तेदार तो बाद एक दूसरे मुहब्बत करने वाले सन मैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो मैं अदना जहा कारकुन हाजी सैफुल्ला ज़िया साहब तारिक महमूद तारक साहब शेख खाल साहब उन्हां दी वजह दे नाल और दूसरे मरकजी कायदीन की मेहरबानी के नाल अलहमदुल्ला अज मैनूं तुहाडे सामने मैं बोल रहा मैं अपने मैं कुछ भी नहीं लेकिन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की वजह नाल अलहमदुल्ला मैनूं यह एजाज है कि मैं तुहाडा नौकर हाँ बहुत ज़्यादा मैनूं जिंदगी 2002 तो लग के साडा सफर शुरू होया लोग बैठते सन आपस के गल बात करते सन बैठ के रिश्तेदारियां करके अमीर लोग आपस के रिश्तेदारियां करके अपने कारोबार चला के छुट्टी करके टुट जाते सन लेकिन रहमानी बरादरी यूज करते सन हाजी सैफुल्ला ज़िया साहब तारिक महमूद तारक साहब इन्होंने मैनू कहा कि अगर काम करना तो फिर रब की रज़ा वास्ते करना है अपनी आखिरत वास्ते काम करना है असं बैठ गया मरी के चार दिन चार रात बैठ के असी मशवरा किया कि सू काम किमें करना चाहिए मशवरे किए लोगों ने फोन कॉल कीतिया सू लोगों ने समझाया कि इस तरह तुम ट्रस्ट बनाओ हाँ जी सैफुल्ला ज़िया साहब ने आखिया अगर अगर खिदमत करनी है तो फिर मैं तो नाल कि मैं बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे वेखे जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को मानते नहीं सन अलहमदुलिल्लाह जो पिछले साल की रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमत है वो 19 करोड़ रुपए अलहमदुल्ला डॉक्टर इकबाल कैप्टन साहब जिहड़े MS डस्का इस तरह के भी लोग चौधरी जनाब मियां अब्दुल सत्तार साहब जैसे बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे ने जिहड़े साडे नाल दिन रात इस नेक काम साडे साथी ने साडे मौजूद मेहमान नादर खलीक साहब एडिशनल सैकटरी लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब असं उन्होंने भी जिया आखने साडे मिशन के साडे साथी बनिया असं इन्हों जिया आखने कि पढ़ पढ़ इलम तकबर करे मत आखे मैं पढ़िया रब जबार कहार कहावे रोड़ देवे दुध कढ़िया फिर मिट्टी दी चीज ने जिंदे मिट्टी रो मिट्टी दी है चीज में जिंदे मिट्टी रो चिट्टी होने की कोशिश ना कर मिट्टी रो तू मिट्टी है जब मिट मिट के मिट जावेगी फिर तू मिट्टी है मिटन का रुतबा पावे मैं कई बार देखा कि यकीन करो हाजी सैफुल्ला ज़िया साहब तारक साहब या जितने भी सारे मरकजी कायदीन ने मियां मोहम्मद बशीर साहब नायब सदर जनाब हकीम अब्दुल जबार राशिद साहब नायब सदर नजर अब्बास रहमानी साहब आप साहिवाल सीनियर नायब सदर गुलाम मुस्तफा साहब नायब सदर अनवर यासिन साहब ये सारे वो लोग ने जिहड़े इस
मिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਔਰ ਦੁਆ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਅਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਦਿਆਂ ਫਸ ਕੇ ਹਰ ਦਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਤੋਵੇਂ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵੇਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀ ਵਾਦਾ ਮਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਸਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਐਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਸਤਾ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੰਮ ਮਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੱਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਲੋੜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਂਹ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਰਾੜ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਲਾ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਜਦੇ ਨਹੀਂ अगर इन्होंने ताबेदारी की है ना सैफुल्लाह ज़िया साहब तारक साहब या मरकजी कायदीन के चलिया वा इन्होंने ताबेदारी की अलहमदुलिल्लाह पूरी दुनिया के रहमानी भरा सा नवी जनरेशन जी अगे आन के उन्होंने अपने आप को खुल के रहमानी कहवाया अलहमदुलिल्लाह असी प्यार वो जो रूहों के तक गुजरे तक के प्यार जिताना कोई प्यार नहीं उन आखना कि मैं यार हाँ लेकिन तो मुसीबत पैनी फिर पूछना ना प्यार वो जो रूहों के तक गुजरे तक के प्यार जिताना कोई प्यार नहीं दिलों में जे फासले रह जाए सज्जन गल ना लाना कोई प्यार नहीं तो जिंदे यार दे दिल को दुख दे के पिछु कबर ते जाना कोई प्यार नहीं अलफ उठ मिट्टी दिया पुतलिया हो पेनू अपनी वेख पछाण मिट्टी इंसान मिट्टी का है तो मिट्टी के बच्चे टुर जाना चार दिन रब अरूज देता कि तुम कुछ कर लो अलफ उठ मिट्टी दे आ पुतलिया हो पेलू अपनी वेख पहचान मिट्टी अज मिट्टी ते पैन ना दे मिट्टी कल होवना बाग बरान मिट्टी मार्फत का जाएगा लभ मोती पेलू अपनी छाननी छान मिट्टी दाय मिट्टी का खेल जहान सारा कल होवना कब्रस्तान मिट्टी जान वाले आवे तेरी खैर होवे जान लग्या ते इंज जाईदे नहीं ओ जाईए दिलां दी दस दसा के वहम किसे दे दिल विच पाईदे नहीं होवे खता ते दिलों भुला दईए जान बुझ के दिलों भुलाई दे नहीं रहमानी यार सियाने सच आदे ने हिसाब सजना नाल मकाई दे नहीं दोस्तों अलहमदुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हुण किसे तारफ दा मुहताज नहीं है साडे कोल हुण इहना असी तकरीबन 17 लोग हैं जो मरकजी अहदेदार हैं साढ़े को टाइम नहीं होंगे कि दिन रात हर रोज़ किसी ना किसी यूनिट की तरफ चाहिए किसी ना किसी यूनिट के गलबात मीटिंग कोई ना कोई मसाइल जो हल करने वास्ते अलहमदुलिल्लाह अज सोशल मीडिया की वजह बहुत ज़्यादा नवे अब दोस्त मैंने जो मिले हैं जिन्हें सोशल मीडिया के इस प्रोग्राम का देखिया पढ़िया और तशरीफ ले आए थे उन्होंने भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं नवी जनरेशन जिहड़े साढ़े नवे बच्चे ने उन्होंने खसूसी तौर पर इस तरह के प्रोग्रामों के जरूर लियाओ ताकि उन्होंने पता लगे कि साढ़े वड्डे वडेरे जिहड़े ने वो रब की रज़ा वास्ते काम करते सन नेकी के काम करते सन तो उन्होंने भी ये आदत पवे वो उन्होंने समझावो कि रब की रज़ा वास्ते काम करना है वो आने के पुत्र जमदे रखिए बिच कब्जे धियां भैणां दे लाड लटाइए ना करो आप करीब कंगाल होइए पग बादशाहां नाल वटाइए ना चोर यार दा ना बसा खाइए जुए बाजा नूं कोल बिठाइए ना भरा होण ते वैर विआह लईए ने ते सुतियां कलां जगाइए ना वर शामियां पंछी उड़ जाण ते खाली पिंजरे घर टकाइए ना ये शिंदे जो है ये उन अहबाब को पेश की जा रही है जिन्होंने बेस्ट वॉलंटियर के तौर पे जो काम करते रहे हैं रजा कराना काम करना बताते खुद बहुत बड़े इनाम की बात है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ पहले दिन से अव्वलियत से जुड़े हुए और जो इसकी मरकजी बॉडी में भी हैं फाउंडर मेंबर्स में भी हैं मैं सबसे पहले उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब से बेस्ट
आज तक का जो हमारा वॉलंटियर है उसका की शील्ड वसूल करेंगे पहलवान असगर अली साहब।